सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आप सभी को कि किसी भी फोटो का बैकग्राउंड अगर चेंज करते हैं आप, तो कलर या रंग बिरंगा बैकग्राउंड उसके पीछे कैसे लाएंगे। तो आज की इस वीडियो पे उसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। यदि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप तक सही समय पहुँच सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना होगा। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। गाइज यहाँ पर सर्च कीजिएगा बैकग्राउंड रिमूवर, देन सर्च करने के बाद फिर से आपको इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा गाइज। देन यहाँ पर आप रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है। देन इसको आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा गाइज, और खुलने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड इमेज का ऑप्शन दिखाई देगा गाइज। और दिखाई देने के बाद किसी भी इमेज का यदि बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो उसको उसके पीछे में कलर कैसे लाएंगे, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो किस टाइप का कलर जो होता है उस टाइप का कलर कैसे लाएंगे, तो आज की इस वीडियो पे आपको देखने को मिलेगा। तो किसी एक इमेज को हम सेलेक्ट कर लेंगे गाइज, ये वाला इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं गाइज। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डन का ऑप्शन देख पा रहे हैं, देन डन कर देना है। डन होने के बाद ये अपलोडिंग लेगा, अपलोडिंग लेने के बाद ये फाइनली इसका बैकग्राउंड रिमूव्ड हो जाएगा गाइज। और रिमूव्ड हो करके आपको एक यहाँ पर लोडिंग ले रहा है अभी, लोडिंग होने के बाद आपको यहाँ इमेज शो होगा गाइज। सो गाइज यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये मेरा इस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो आपको इसमें कलर टाइप का करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके पहले आपको एडिट का ऑप्शन दिख पा रहे होंगे, देन क्लिक करना है। एडिट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कलर का। देन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बैकग्राउंड दिखाई देगा होगा गाइस, तो आप किसी टाइप का भी बैकग्राउंड कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि इस वाले को आप सेव कर सकते हैं, यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा। और भी तरह का है गाइस इसमें, आप अच्छे अच्छे बैकग्राउंड वाले इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले इमेज को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आसानी से ये आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वंदे मातरम गाइज़।